प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर आगमन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाजिदपुर के जनसभा स्थल पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पर 12,100 करोड़ के सौगातों की बौछार भी की। इन सौगातों में खास रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना इंटरनेशनल हॉस्टल, जिसमें हाईटेक सुविधाएं हैं। ये हॉस्टल यूपी का पहला ऐसा हॉस्टल है जहां विदेशी छात्रों को लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। 50 करोड़ की लागत से बना ये इंटरनेशनल हॉस्टल में मिनी सुपर बाजार, जिम, कैफ़े, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स की व्यवस्था होगी। इसके अलावा हॉस्टल में सुविधाएं बिल्कुल घर का एहसास कराएगी। बीएचयू के इंटरनेशनल हॉस्टल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर SVS राजू ने बताया कि इस इंटरनेशनल हॉस्टल में G+10 फ्लोर की बिल्डिंग में 200 कमरों की व्यवस्था है। हर कमरे में किचन के साथ अटैच बाथरूम की भी व्यवस्था है। इसके अलावा किचन में इंडक्शन का भी खास इंतजाम किया गया है, जहां विदेशी छात्र अपने मनपसंद खानों को बना सके। बनी है ये G+10, मतलब 10 फ्लोर रहेंगे ग्राउंड फ्लोर के अलावा, और हर फ्लोर में 20 कमरे रहेंगे, और हर कमरा जो है एक सिंगल फ्लैट के रूप में, जैसे एक 1-बेडरूम फ्लैट के रूप में एक उनके जो ड्राइंग रूम रहेगी कम बेडरूम, एंड देन एक अटैच किचन रहेगा, एक अटैच वॉशरूम रहेगी। और उनके किचन में हम लोग कुकिंग के लिए उनको इंडक्शन वगैरह दे रहे हैं, और इनके जो ड्राइंग रूम है उनको जैसे विद बेटर मैट्रेस बेड वगैरह देते हुए, उनकी कबोर्ड्स वगैरह, इनके जो स्टडी टेबल्स एंड उनका जो है फिर अपना टेबल लैंप्स उनके अपना प्रोवाइड करते हुए सब कुछ, सारे फैसिलिटीज। अगर कहीं कोई एक मतलब बाहर से कोई छात्र या छात्र आते हैं तो उनको कहीं अपने से कोई बाहर से कोई सामान ना खरीदना पड़े, तो इंटरनली जितने सारे फैसिलिटीज़ के साथ हम इसको जो है फिर फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स जो आएंगे उनके लिए हम ये सुविधा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये अभी सुविधा दे रही है। और ये जो 200 कमरे का जो हॉस्टल है, तो हम इनिशियली ये हम सोच के चल रहे हैं कि इस साल लड़कियां और भी आएंगी, इंटरनेशनल लड़कियां, तो इनके लिए अब हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं होगी।